हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल सिन्हा। आज इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम आर टाइनी डॉट्स ऑफ आवर गैलेक्सी। सोलर सिस्टम बहुत छोटे, हमारी जो गैलेक्सी है उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम में 2 बिलियन स्टार्स होते हैं। अब हमारी सोलर सिस्टम बहुत शाइनी और टाइनी डॉट्स टाइप के होते हैं हमारी गैलेक्सी में, और गैलेक्सी का नाम है हमारी मिल्की वे। व्हाट बिगेन आवर सोलर सिस्टम? हमारा सोलर सिस्टम बना था एक नेब्यूला से। एक नेब्यूला नाम का एक छोटा सा बॉल जो बहुत ग्लो करता था, और उस तो उसके सराउंडेड में बहुत सारे ओवल वाले रिंग्स थे। अब जो रिंग्स थे कुछ बहुत दूर थे तो इसलिए वो कोल्ड वाले थे, कुछ उसके आगे वाले जो थे 2 रिंग्स, 8 रिंग्स और टोटल 8 रिंग्स थे। सबसे पीछे वाले जो 2 थे, पीछे वाले जो 2 थे वो थे हमारे 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 वो आइस वाले, मतलब जो कोल्ड वाले थे। हमारे उसके आगे गैस जॉइंट्स वाले और उसके आगे रॉकी प्लैनेट्स। अब जानते हैं वो 8 प्लैनेट कैसे बने। टाइम बीतता गया, बीतते गया, नेब्यूला जो था वो चेंज होने लग गया, और चेंज होते होते वो बन गया हमारा सन। अब सन जो था उसके सराउंडिंग में तो बहुत सारे प्लैनेट्स होते, और वो जो रिंग थे उसके जो जितने भी डस्ट पार्टिकल जो भी थे, हीट जो भी थे, वो सब ज्वाइंट होके एक बॉल में कन्वर्ट होने लग गए। अब जो बॉल थी वो हमारे प्लैनेट्स थे। तो अब उन प्लैनेट्स को 3 चीजों में बांटा गया। हमारे 8 प्लैनेट्स को 3 चीजों में बांटा गया। पहला टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और रॉकी प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो वाले प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे जो सबसे क्लोजेस्ट हैं, जो क्लोज वाले सन के जो क्लोज होते हैं, और वो वाले प्लैनेट्स जैसे हमारा मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स हैं। तो पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी सरफेस वाले प्लैनेट्स होते हैं। कुछ में रॉकी सरफेस है लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं है, जैसे मर्क्यूरी हो गया। मर्क्यूरी थोड़ा बहुत मून के जैसा दिखता है क्योंकि उसमें क्रेटर्स है, तो क्रेटर्स उसमें ग्रेविटी की वीक होने की वजह से और जो एटमॉस्फेयर है वो ना होने की वजह से वहां पे क्रेटर्स बहुत सालों से है। बहुत इयर्स पहले एस्ट्रॉइड और मीटोराइट ने उस पर अटैक किया था। अब अटैक किया था तो उसमें क्रिएटर्स बन गए, उसका कोई एटमॉस्फेयर और ग्रेविटी नहीं थी इसलिए वो हटे नहीं, तो इसीलिए वो मून टाइप का लगता है। ऐसी मून में भी है तो उसका रॉकी सरफेस है, और वो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है मून से, सॉरी सन से। अब उसके जो ऑर्बिट वो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट और सबसे फास्ट रेवोल्यूशन वाला प्लैनेट है। तो उसका रेवोल्यूशन है अर्थ के जब 88 डेज हो जाते तब उसका 1 ऑर्बिशन होता है, मतलब अर्थ का 88 डेज इज इक्वल टू 1 ऑर्बिशन ऑफ मर्करी। नेक्स्ट वीनस, और मर्क्यूरी हमारा सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। नेक्स्ट वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। वीनस हमारा सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़े अमाउंट में है और सल्फरिक एसिड की उधर रेन होती है। तो जो हमारा वीनस है उसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, और वो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है और हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। वो सेकेंड नंबर पे है। नंबर थर्ड अर्थ। अर्थ हमारा ओन प्लैनेट है। उस अर्थ एक ऐसा प्लैनेट, वो हमारी सोलर सिस्टम का सिर्फ पहला एक ही प्लैनेट है जिसका जिसमें लाइफ हो सकती है, जो सपोर्ट करता है लाइफ को। तो जो हमारा अर्थ है वो 70% वाटर से है और 30% जो बाकी का है वो लैंड है।
तो जो 30% है उसमें आ गई हमारी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स। तो हमारा ये 70% जो वाटर है तो उसमें आ गया ओशंस और सीज। तो सीज हमारे 50 से भी ज्यादा सीज है हमारे, और ओशंस जो है वो 5 ओशंस है, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। फिर हमारा आता है हमारा वाटर का हो गया। अब हमारा था लैंड में, लैंड हमारा जो 30% है उनमें कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स और हमारे कंट्रीज आते हैं। अब जैसे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। अब हम ये हमारा अर्थ हो गया, और सबसे ज्यादा वो ब्लू भी है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है मार्स। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो रेड है, पूरी तरीके से रेड है, क्योंकि उसमें उसकी रॉक्स में एक एसिड पाया जाता है, एक केमिकल, वो उसका नाम है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो रॉक्स को रेड कलर में बना देता है। नेक्स्ट हमारा मार्स आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, और उसमें 39 मिशंस हो गए मार्स के, लेकिन तब भी 16 ही है जो सक्सेसफुल हुए हैं। नेक्स्ट और अभी भी मार्स की सरफेस में पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो भी पाया गया है। नेक्स्ट एस्ट्रॉइड बेल्ट, जैसे कुछ प्लैनेट्स के बाद बेल्ट है, एक तरह से बेल्ट टाइप का है, तो वो चाहे वो एस्ट्रॉइड्स के और एक और चीज के एस्ट्रॉइड बेल्ट है। जैसे तो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो सबसे छोटा एस्ट्रॉइड होता है वो होता है पेबल, मीन्स छोटा सा स्टोन, और जो सबसे बड़ा वाला है वो है सीरियस, और सीरियस सबसे बड़ा वाला है, और अब वो एक ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से माना गया है। नेक्स्ट जुपिटर, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, सबसे प्लैनेट बड़ा है, और उसमें सबसे ज्यादा मून्स भी हैं, 79 मून्स हैं। अर्थ में एक मून है और मार्स में 2 मून्स हैं, 79 मून्स होते हैं हमारे जुपिटर में। जुपिटर बहुत एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें जिसकी रोटेशन सबसे फास्ट है, मतलब अगर सारे प्लैनेट्स को अगर की स्पीड अगर एक साथ ज्वाइंट कर दिया जाए, और फिर तब भी उससे भी डबल है ये स्पिनिंग स्पीड, रोटेशन स्पीड जुपिटर की, इसीलिए जुपिटर में व्हाइट स्ट्रिप्स और द ग्रेट रेड स्पॉट भी बनते हैं। अब ग्रेट रेड स्पॉट क्या होता है? ग्रेट रेड स्पॉट वो वाला स्पॉट है जिसमें वो असलियत में एक टॉर्नेडो होता है, ऐसा टॉर्नेडो जो 200 ईयर्स से चल रहा होता है। फिर ये वो इतना ह्यूज होता है कि उसमें 3 अर्थ के बराबर होता है, वो 3 अर्थ के बराबर। अब और उसका 1 day इज इक्वल टू 9 hours and 55 minutes। नेक्स्ट हमारा सैटर्न। सैटर्न एक छोटा प्लैनेट है, वो मर्क्यूरी से भी सबसे छोटा है, लेकिन तब भी उसका एक रिंग है जो विजिबल है, तो वो रिंग जो होता है वो सिमिलर साइज है हमारे जुपिटर के। अब जो जुपिटर है तो इसीलिए उसे सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट माना गया, क्योंकि उसकी रिंग विजिबल है, वरना वो मर्क्यूरी से भी ज्यादा छोटा है। और सैटर्न एक ऐसा लव द प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। अब डेंसिटी मतलब अगर हम लोग उसे वाटर में अगर डाल दें,
लेकिन तब भी वो फ्लोट होगा वाटर में, पूरा हमारा सैटर्न फ्लोट कर सकता है वाटर में। नेक्स्ट हमारा हमारा ये उसका बहुत ब्यूटीफुल रिंग्स भी होते हैं। अब उसका जो रिंग है वो विजिबल भी है और वो बहुत ब्यूटीफुल भी है। वो बने तीन चीजों से, आइस, वाटर एंड डस्ट। आइस, वाटर एंड डस्ट, आइस, स्टोन एंड डस्ट, तो इन सब से बना हुआ है। तब ये तो ये इसलिए ब्यूटीफुल भी प्लैनेट, सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट। नेक्स्ट हमारा यूरेनस। यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसका जिसका रेवोल्यूशन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, मींस कि जैसे सब लोग कुछ टिल्टेड में घूमते हैं, कुछ स्ट्रेट में घूमते हैं, लेकिन उसका पूरा हॉरिजॉन्टल है, मींस एक स्लैंटिंग लाइन में। तो उसकी जो रिंग होती है वो इनविजिबल होती है, जुपिटर की भी इनविजिबल होती है और नेपच्यून की भी। यही सिर्फ सैटर्न ही है जिसका विजिबल है। तो जो यूरेनस होता है वो अपनी रिंग में ही रेवोल्यूशन करता है और वो ग्रीनिश ब्लू कलर में होता है। उसके 27 मून्स होते हैं, सैटर्न के 62 मून्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा नेपच्यून। नेपच्यून एक ऐसा प्लैनेट है, सबसे विंडीस्ट प्लैनेट है, मतलब जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब एक टॉर्नेटो के बराबर की स्पीड के विंड उसमें घूमते हैं। तो वो भी एस जाइंट है और यूरेनस भी। तो जो हमारा नेपच्यून है वो उसमें 13 मून्स हैं और अभी 14 मून्स है, लेकिन वन अभी नासा से मिला है और बाकी सारा रिसर्च करके 13 मिला है। अभी नासा से एक नया मिला है। तो हमने आज सीखा सोलर सिस्टम के बारे में। अब अगली वीडियो में आज हमने सीखा सोलर सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।